हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में बेस स्टडी प्लान क्या होना चाहिए ताकि 120-30 आराम से हम स्कोर कर सके। और ये आराम से जितना कहने में आराम है उतना आसान है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा हार्डवर्क करना होगा, आराम से 60-70 डेज अपने को कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ जो है तैयारी करना होगा ताकि अपना सिलेक्शन फिक्स हो जाए। बिल्कुल भी एटलीस्ट कोई अच्छा पोस्ट मिल जाए। अच्छा पोस्ट कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, इसके अंदर कोई भी पोस्ट खराब नहीं है। हर में जा सब में जाके आपको देशभक्ति की एक भावना होगी और जहाँ पर जाके आप एक सोल्जर ही बनने वाले हो, ठीक है, और मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलने वाला है। तो इसमें खराब किसी को हम नहीं कह सकते। हाँ, खराब वो होता है ना जो चीज़ हमें पसंद नहीं होता, जिसमें हमको जाना होता है। एक होता है लोगों का जिद कि अपने को CISF ही चाहिए, किसी को BSF ही चाहिए, किसी को मतलब SSF ही चाहिए, तो किसी को SSB ही चाहिए, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जो चीज़ पसंद है वो बढ़िया, जो चीज़ पसंद नहीं है इसलिए खराब नहीं कह सकते, ठीक है। तो चलो अभी हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट आपके जो है ना प्रेफरेबल या फिर जो चॉइस वाली जॉब है वो कैसे ले सकते हैं। तो सर यहाँ पे एक चीज़ तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा और एक चीज़ जो एकदम सत्य है, कट्टर मतलब कह सकते हैं ना कि एकदम कटु वचन है कि इस बार सीट बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगा। कहोगे सर टाइम भी तो कम कर दिया है। जनाब टाइम कम कर दिया उसे मैटर नहीं है, SSC वाले हैं। आप GD की तैयारी कर रहे हो खाली ना, लेकिन यहाँ पे बहुत से बहुत धुरंधर ऐसे होंगे जिनको GD से कोई लेना देना होगा नहीं, फिर भी एग्जाम देने जाने वाले हैं। बिकॉज 100 रुपये तो लगता है, ज़्यादा तो लगता नहीं, फॉर्म फिल करके पहुँच जाते हैं। ताकि ना वो इसलिए पहुँच जाते हैं ना कि उनका प्रैक्टिस बना रहे एग्ज़ाम का, इसलिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे धुरंधर देखने के मिलेंगे जिनको फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है, बस वो एग्ज़ाम क्रैक करने जाते हैं तो कंपटीशन हाई कराते हैं। सर आपको पता होगा ना कि ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे, 160 नंबर का एग्ज़ाम है, ऑलमोस्ट 155 के स्कोर करके बैठे होंगे आराम से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे दिखने वाले हैं आपको, तो इसमें जो है कुछ अलग से स्टेप उठाना पड़ेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, 130 के करीब जाएं। और कंपटीशन इस बार रहने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि आप देख रहे हो CISF के अंदर सीट नहीं के बराबर, उसको सीट कह ही नहीं सकते, उससे ज़्यादा तो SI का सीट है भाई, मतलब CPO के अंदर, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो चलो इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप में से जितने भी लोग बिना मतलब बिना डेडिकेशन के तैयारी कर रहे हो तो अब डेडिकेटेड हो जाओ, ठीक है, इसके लिए, SSC JD के लिए, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा हार्डवर्क मांगता है आपसे, ठीक है। तो इसके लिए दो बुक्स के मैं बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट है और ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से हिंदी मीडियम में है। और इसमें दो बुक इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहला स्टडी गाइड बुक है जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है लिखा भी है स्टडी गाइड बुक, दूसरा जो राइट साइड में ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है जिसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको और 9 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। 9 साल कहने का मतलब 9 शिफ्ट के, ठीक है, 9 शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो 9 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर के मिलेंगे और 20 टोटल 29 सेट्स मिल जाएंगे विद द सॉल्यूशंस, आंसर की भी रहेंगे इसके। और मैं एक बार फिर से कहूँ ये हिंदी में चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से और दोनों बुक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। अब थोड़ा मैं स्टडी गाइड बुक के बारे में जाके डेप्थ में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि वाकई ये बुक है क्या। तो इस बुक के बारे में जैसे ही जानते हैं तो सबसे पहला चीज़ अपने को समझ में आना चाहिए कि जो लेटेस्ट पैटर्न है वो उस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो किया गया इस बुक के अंदर, ठीक है। इतना कम टाइम के अंदर इस बुक को तैयार करके बिल्कुल भी मतलब परफेक्ट तरीके से तैयार किया गया। सारे सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे और नंबर ऑफ जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन तो 80 है, बट मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 160 है। टाइमिंग आपको 60 मिनट्स की मिलने वाली है जो कि एक तरीके से आप फोन से टाइम सेट करके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है, और या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो कहीं से भी, तो फिर चलो अपना अपना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा SSC GD कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको स्टडी गाइड बुक के अंदर भी मिलेंगे, 3 शिफ्ट के क्वेश्चन, साथ में पूरे चैप्टर वाइज चीज़ें मिलेंगी आपको, चाहे वो रीजनिंग हो, करंट अफेयर हो, GK हो, चाहे GS हो, इवन मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी के जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको भी पता ना कि हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को चूज़ करना होता है, तो आप जो भी चूज़ करते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें कंप्लीट चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज के साथ हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस करने के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, पढ़ा के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया जाएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं ना इनका सोल्यूशन जो है कुछ डेप्थ में जाके दिया जाएगा कि GK का अगर ये आंसर है तो क्यों आंसर है, है ना, कि चलो भाई वनों का कटाई का कोई प्रभाव ये कोई आंसर हो जाता है, मान लो 26 का कोई D आंसर है तो क्यों है, इसके बारे में कुछ और कुछ जाना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ताकि कभी कभार होता है ना कि डेप्थ में जानकारी ना मिले तो क्वेश्चन पढ़ने का मजा नहीं आता है। तो इस बुक के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक का, तो जाके वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब सुनो सर, हम तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं, तैयारी क्या करना है। देखो तैयारी करना मेन अपने ना यहाँ पे जो भी चीज़ है अपने को फोकस करना, तैयारी पे सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है कि अपने को सब्जेक्ट को देखना है, किस सब्जेक्ट पे कितना हम टाइम दे रहे हैं, ये अपने लिए भी अगर आप हिंदी चूज़ करते हो, ध्यान दो सुनो, पहले हिंदी और इंग्लिश का कन्फ्यूजन दूर कर दो, आपने कभी हिंदी पढ़ाई नहीं, आप SSC के एस्पिरेंट रह चुके हो, लाइक SSC CPO की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपने GD भर रखा है, SSC CHSL की, SSC MTS की तैयारी कर रहे हो फिर भी आपने
जीडी भर रखा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप हिंदी की तरफ मत जाना, इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इंग्लिश का मतलब एसएससी का इंग्लिश भी अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रह नहीं गया, बहुत आसान रह गया, तो आप इसके अंदर फाड़ सकते हो, ठीक है। पकड़ के फोड़ दोगे ऑब्वियसली बढ़िया स्कोर कर पाओगे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ इंग्लिश को भी पढ़ते हो। ऑब्वियसली आप हिंदी लंबे टाइम से छोड़ रखे हो, 3 साल 4 साल से, तो ऑब्वियसली आपको पूरा ग्रामर हिंदी का पढ़ना पड़ेगा। तुक्का कितना मारोगे जनाब, कितना तुक्का मारोगे, आपको कहीं ना कहीं आपको आएगा, समास आ जाएगा, और कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो कि मतलब हमारे तो ऊपर ऊपर पार हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता, ठीक है। तो इंग्लिश काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, तो अपना अपना देख लो, आपको जो भी दे रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो एटलीस्ट फिर भी आपको 1 to 1 hour तो रेगुलर देनी ही पड़ेंगे हिंदी में भी, इंग्लिश में वही आपको 1 to 2 hours, आपको 1 to 2 hours आपको रेगुलर 2 घंटे तो देने पड़ेंगे, इंग्लिश टाइम मांगता है। और मेरे ख्याल से ना इंग्लिश बेटर भी है हिंदी से, मेरे ख्याल से, बाकी आप अपना देख लो, इसमें मैं कोई किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको ये ले लो। हाँ बट मैं जब क्रैक कर रखा था तो मैंने इंग्लिश ही चूज़ कर रखा था, और 23 तक तो मेरे इंग्लिश सही थे, क्योंकि एसएससी जीडी के जो ना इंग्लिश का लेवल कुछ होता नहीं है, इजी होता है आप जिसकी तैयारी अच्छी हो, बिकॉज मैं सीपीओ का एस्पिरेंट था, तो मेरे लिए इंग्लिश आसान थी, मैंने कर लिया था। अब सवाल आता है सर देखो कि मतलब यहाँ पे मैथ सबसे ज़्यादा मतलब पूछा जाएगी, क्वेश्चन कहाँ से करना है, रीजनिंग कहाँ से करना है, तो मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, रीजनिंग की कोई क्लास मत करना, ठीक है, रीजनिंग लिए कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है, मतलब रीजनिंग आपको थोड़ा बहुत एसएससी की आती है, तो ऐसा नहीं कि कोई बैच उठा के आ गया, ठीक है, तो रीजनिंग के मतलब हम 2-2, 5-5 हज़ार रुपये दे के रीजनिंग लिए क्लास करें, हाँ 100-150-200 का कोई बैच मिलता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज हमारी बैच आएगी, हमारी जो एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस पर बहुत जल्द एसएससी जीडी की जो है पेड बैच आ जाएगी, और फ्री वाली तो हम लोग ए2जेड स्टडी एसएससी एग्जाम पे 10 तारीख से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, तो रीजनिंग में आपको मेनली करना क्या ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करा देंगे, जितना ज़्यादा उसकी पीडीएफ दे देंगे आपको अपने एप्लीकेशन के ऊपर, वो सारी चीज़ें कर लेना, फिर आपका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देंगे हम, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो रीजनिंग आपको ऑलमोस्ट मैं कहूँ ना कि मतलब कम से कम 100 सेट ना आपको रीजनिंग के लगाने होंगे, अगर देखो 100 सेट डेली ना आप एटलीस्ट 25 questions की प्रैक्टिस भी करते हो रीजनिंग के, तो एग्जाम तक ना आप कोशिश करना कि 100 सेट, चाहे वो एसएससी सीजीएल का प्रीवियस हो, सीपीओ का प्रैक्टिस सेट हो, स्टेनोग्राफर का हो, इवन एमटीएस का हो, आपका होना चाहिए एसएससी का ही, वो किसी और एग्जाम का मतलब रीजनिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। रीजन इसलिए ना क्योंकि अब जो एसएससी टीसीएस जब से एग्जाम ले रहे हैं, रीजनिंग का लेवल अप कर रखा है थोड़ा सा उसने, रीजनिंग सरल सरल भाषाओं में दिया जा रहा है कि अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो तो भैया बर्बाद कर दी जाएगी रीजनिंग के अंदर भी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको कुछ खास नहीं, बस प्रीवियस ईयर के लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब बात कर लेते हैं सर, सुनो मैथ के अंदर क्या करें, तो मैथ तो आपको थ्योरी पढ़नी होगी, जो कि तो हम चलो ऑलरेडी नहीं कह सकते कि हम आपको फ्री में पढ़ा देंगे, उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैथ्स टू मैथ्स हम कराएंगे आपको, कुछ पेड बैचेस भी आ जाएंगे उसकी हो सकती हैं, बट आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि मैथ के जो होंगे ना ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करते रहोगे, लाइक कुछ बुक्स हैं जहाँ से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर ऑनलाइन मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बनाना, प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहे हो तो प्रीवियस ईयर ही बनाना, हम लोग वो अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, तो आपको प्रीवियस ईयर ही फोकस करना होगा जब भी मैथ करो, क्योंकि टीसीएस का मैथ पहले की तरह नहीं है कि आप सिंपल मतलब घुमा फिरा के दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैथ पे आपको ऑलमोस्ट 3 hours रेगुलर देने होंगे, रीजनिंग पे आपको 1 hour देने होंगे, इंग्लिश पे भी आपको 2 hours देने होंगे, और जीके पे भी ऑलमोस्ट 2 hours देने होंगे, देख लो यहाँ पे 5, 7, 1, 8 घंटे तो यहाँ पे देने होंगे। आप अभी से रेगुलर एक मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो तो एग्जाम के 1 महीने पहले से भी लगा सकते हो, चलेगा, तो आपको कुल मिला के इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो बढ़िया से पढ़ो, लेकिन टाइमिंग जो है मैथ पे बहुत ज़्यादा देना होगा। अब मैं मार्किंग के बारे में बता दूँ, मैथ के ऊपर कितना आपको स्कोर करना है, तो मैथ 20 questions में से 20 स्कोर करना होगा फॉर योर प्रेफरेबल जॉब, मतलब जो च्वाइस है उसके लिए, ठीक है ना, अगर आपको जो चाहिए वो मिल जाए, मतलब जो मिल जाए वो चाहिए, तो फिर आप ठीक है, चलो 17-18 तक भी स्कोर कर रहे हो मैथ में चलेगा, इंग्लिश ले रहे हो या फिर हिंदी ले रहे हो एटलीस्ट 19 तक तो इसमें जाना पड़ेगा, 18-19, रीजनिंग 20 में 20, इससे कम कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी पोस्ट चाहिए रीजनिंग कोशिश करना कि 20 में 20 मिले, फिर जीके ना आपको अगर 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 13 तक भी जाना, ठीक है, तो ये देख लो 20, 20, 40, 60, और यहाँ पे हम लोग 13 कर ले, यहाँ पे 73, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे सोच लो इतना तो नहीं जाएंगे, हम लोग 70 तक जाने की कोशिश करेंगे, तो भी आपके 140 स्कोर है, बहुत अच्छा खासा स्कोर कर लोगे सर, ठीक है। अगर 70 नहीं भी हो रहा तो मैंने एक ऑल ओवर बता दिया कि मैथ में आपको 20 में 20 करने होंगे, रीजनिंग में 20 में 20 करने होंगे, 40 नंबर यहाँ से कर लो, अगर हिंदी और रीजनिंग मिला के आप ना हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी ले रहे हो आप यहाँ पे 15 कर, तो 15 से तो काम नहीं चलेगा, फिर भी अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इधर उधर थोड़ा स्कोर करके अगर हम रीजनिंग को 15 मान लें, मतलब मैथ रीजनिंग और हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी इधर से आप ना एटलीस्ट 55 स्कोर कर लो, बाकी जीके में 10 कर लो, तो भी आपको जो है मिल जाएगा आराम से, ठीक है।
आपकी ना टॉप सेकंड या थर्ड वाली मिल जाएगी, जो आप भरना चाह रहे हो सेकंड थर्ड तक आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए SSF भैया, एटलीस्ट आपको ना फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने की प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए CISF तो एटलीस्ट आपके फुल के करीब जाके स्कोर करना चाहिए। अगर BSF, CRPF, आसाम राइफल चाहिए तो इतना तक आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये तैयारी में लगे रहो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।